अस्सलाम वालेकुम अरशद महमूद। 2021 बहुत सी खुशियों और बहुत से गमों के साथ हमें अलविदा कह गया, बहुत से दुख भी देकर गया और बहुत सी खुशियां भी। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हमारा दिल दुखाया होगा और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका हमने दिल दुखाया होगा। इन अच्छी और बुरी यादों के साथ हम 2022 में कदम रखने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम वो काम करें इस साल के आगाज़ में जो हम सबसे चाहते हैं कि वो वैसा करें, यानी हम सबको माफ़ कर दें। जो गलतियां हमने की वो हम सबसे चाहते हैं कि वो हमें माफ़ कर दी जाएं। तो उससे पहले क्यों ना जो गलतियां किसी ने की, किसी ने हमारा दिल दुखाया, किसी ने हमारे साथ गलत किया, तो हम उनको भी माफ़ कर दें और इस नए साल में कदम रखें। क्योंकि सुकून से ज़िंदगी गुजारने और कामयाब ज़िंदगी गुजारने का राज यह है कि आप वो करें जो आप दूसरों से चाहते हैं कि वो वैसा करें। कोशिश करें कि इस साल में अच्छी मिसालें कम दें बल्कि अच्छी मिसाल बनकर दिखाएं। हम मिसालें तो हर एक की देते हैं, हम बहुत अच्छी अच्छी मिसालों को लेकर घूमते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हम अच्छी मिसाल बनने की कोशिश नहीं करते। तो वादा कीजिए कि इस साल हम एक अच्छी मिसाल बनकर दिखाएंगे कि लोग हमें एक अच्छी मिसाल के तौर पर यूज़ करें। सबको नया साल मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ कि ये साल सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा, बहुत सारे अच्छे दिन हमारे पास लौट कर वापस आएंगे और हम लोगों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह की ज़ात आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।